मोदी सरकार ने आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण ऐलान किया है। सरकार लोगों को सस्ती कीमतों पर दवाइयां उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम उठाने जा रही है। इसके तहत देश भर के सभी सरकारी पेट्रोल पंपों पर लोगों को जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पीएम मोदी ने आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखकर एक नई योजना बनाई है। इस योजना का मकसद लोगों को सरकारी पेट्रोल पंपों पर सस्ते दामों में दवाई मुहैया कराना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप पर स्थित इन दुकानों को जन औषधि स्टोर कहा जाएगा। प्रधान ने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल पंपों पर गैर ईंधन इकोसिस्टम शुरू करने के लिए टाइप करने जा रही है। हालांकि सरकार के सामने दवा की दुकानें खोलने को लेकर एक बड़ी समस्या भी है। कानून के मुताबिक इन दवा की दुकानों पर काबिल फार्मासिस्टों की जरूरत है, जिनकी कमी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि वो जल्द ही इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालेंगे और इससे लोगों के लिए नई नौकरियों के दरवाजे भी खुल जाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।